हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मधुस जो दिल कहे। दोस्तों, आज दिन है पब्लिक रिव्यू ऑफ एंटरटेनमेंट का, लेकिन आज के जो सजेशन मैं आपको देने वाली हूँ उसको मैं एंटरटेनमेंट कम बोलूँगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा बोलूँगी। 1984 एक ऐसा साल आया था जो कि इंडिया की हिस्ट्री में डिजास्ट्रस ईयर माना जाएगा। 31 अक्टूबर असैसिनेशन ऑफ आर एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फॉलोड बाय भोपाल गैस ट्रेजेडी। जी हाँ, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस लीक हुआ और भोपाल की गलियों में वो फैल गया और कितने लोग उसमें मर गए और कितने लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका अफेक्ट भुगतते रहे। आज बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पर एक 4 एपिसोड्स का OTT सीरीज आया है, वेब सीरीज आया है, नाम है रेलवे मैन। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज और इसमें गैस ट्रेजेडी के ऊपर फोकस रखते हुए बेसिकली रेलवे मैन का कंट्रीब्यूशन इन दिस गैस ट्रेजेडी, जो कि वाकई काबिले तारीफ़ है और देखने के लायक है। आपने अगर इसको एक बार शुरू कर दिया देखना तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक आपके ऐसे रोंगटे खड़े रहेंगे कि मुझे अभी पूरा देखना है आखिर तक कि आफ्टर ऑल किस तरह से रेलवे ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस चीज़ में। अगर आप कास्ट की बात करें तो के मेनन, बबिल खान, मैं आपकी बहुत तारीफ़ करूँगी, इरफान खान के बेटे बबिल खान, आपकी चॉइस ऑफ मूवीज़ बहुत अच्छी है और साथ साथ जो आपकी परफॉर्मेंस है वो तो आपको जीन्स में ही मिली हुई है, तो उसके बारे में तो कोई दो राय ही नहीं रख सकते। आपको देखते हैं तो आपके अंदर बिल्कुल आपके फादर की परछाई नज़र आती है, चाहे वो परफॉर्मेंस के ऊपर हो चाहे वो आपके लुक्स के ऊपर हो। तो यस बबिल खान, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आगे भी हमको ऐसे ही अच्छे रोल्स में दिखते रहिए स्क्रीन पर, वेटिंग फॉर मोर फ्रॉम यू। और हाँ, साथ में माधवन हैं और जूही चावला, दे छोटा रोल है लेकिन अच्छा है, इफ़ेक्टिव रोल है। तो दोस्तों ज़रूर देखिए रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑन नेटफ्लिक्स, मस्ट वॉच फ्रॉम माय साइड। फिर मिलती हूँ मधु जो दिल कहे पे, मैं दिल से प्रमोशंस देती रहती हूँ।